खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट की ओपीडी शुरू हो गई है। यूरोलॉजी की ओपीडी सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को चलेगी। पहले दिन उनकी ओपीडी में 50 से ज़्यादा मरीज आए, तो वहीं ओपीडी शुरू होने से किडनी प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों के मरीजों को राहत मिली है। आपको बता दें कि अब गुर्दे की पथरी, कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर ऑपरेशन दूरबीन विधि से किए जाएंगे। दून अस्पताल के CMS यूसुफ रिजवी ने बताया कि एम्स में लंबी सेवा देने वाले यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज विश्वास ने अस्पताल को ज्वाइन कर लिया है। वार्ड भी आवंटित किया जा रहा है। दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं एक साल के भीतर गुर्दा प्रत्यारोपण शुरू करने का भी लक्ष्य है, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोगों को स्पेशलिस्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ये काफी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। किडनी का या यूनिट तभी अच्छा होता है कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी साथ हो, दोनों का समन्वय जरूरी होता है। तो हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ समय से हैं, डॉक्टर हरीश बसेरा काफ़ी समय से हैं। डायलिसिस की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में है, लेकिन यूरोलॉजी की सुविधा नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल से दोनों अस्पताल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।